like that video, subscribe my channel and comment your name. नाम है नेहा। नेहा के इंग्लिश में स्पेलिंग है NEHA। नेहा नाम का मज़हब मुस्लिम है। जींस है लड़की। नेहा के मायने हैं खूबसूरती और हुस्न व जमाल। नेहा नाम का शुमार लड़कियों के नामों में होता है। नेहा नाम की इब्तदाई तारीख उर्दू ज़बान से निकलती है। नेहा नाम का मतलब है खूबसूरती और हुस्न व जमाल। नेहा नाम के बहुत से लोगों ने पूरी दुनिया में शोहरत पाई है। नेहा एक बहुत अच्छा और बहुत फेमस नाम है। नेहा नाम में चार हरूफ हैं और ये एक लफ्ज़ बनता है। नाम है मायरा। मायरा के इंग्लिश में स्पेलिंग है MAIRA। मायरा नाम का मज़हब मुस्लिम है। जींस है लड़की और ज़ुबान अरबी है। मायरा के मायने हैं अच्छे काम करने वाली। मायरा नाम की तफसील है मायरा रज़ा, मायरा नवाज और मायरा जावेद। ईमान। ईमान नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग बनते हैं IMAAN। जींस है लड़की। ईमान नाम का मज़हब मुस्लिम है और ईमान नाम के मायने हैं पुख्ता यकीन, ईमान, अकीदा और मज़हब। और मुसलमानों के नज़दीक अल्लाह ताला पर ईमान लाना और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना। ईमान नाम की तफसील है ईमान फ़ातिमा, ईमान अहमद और ईमान अली। ईमान नाम का शुमार लड़कियों के नामों में होता है। ईमान नाम की इब्तदाई तारीख भी अरबी ज़ुबान से निकलती है। ईमान नाम में पांच हरूफ हैं और ये एक लफ्ज़ है। आज का नाम है अनीला। इंग्लिश में अनीला के स्पेलिंग बनते हैं ANELA। जींस लड़की है और अनीला नाम का मज़हब मुस्लिम है और ज़ुबान अरबी है। अनीला के मायने हैं मासूम, ना वाकिफ, नादान और ना तजुर्बाकार। अनीला नाम का शुमार लड़कियों के नामों में होता है। अनीला नाम की इब्तदाई तारीख अरबी ज़बान से निकलती है। अनीला नाम में पांच हरूफ हैं और ये एक लफ्ज़ बनता है। नाम का मीनिंग जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और